तो हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। चुनाव प्रचार के दौरान जनता से वायदों के साथ सब जो है अलग अलग दावे भी कर रहे हैं और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी इस बीच शुरू हो गया है। इसी बीच नारनौल से निर्दलीय प्रत्याशी मायाबाई के द्वारा नगर परिषद क्षेत्र में अपना चुनाव प्रचार जोर शोर से किया गया और इसी दौरान हमारे संवाददाता ने निर्दलीय प्रत्याशी मायाबाई के पति राजेश मांदी से खास बातचीत की। नगर परिषद नारनौल का चुनाव काफ़ी गरमाया हुआ है। चारों तरफ जो है हर प्रत्याशी भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर बात करता नजर आ रहा है। निर्दलीय प्रत्याशी जो माया देवी हैं उनके पति हमारे साथ मौजूद हैं राजेश जी, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि नगर परिषद में किन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच जा रहे हैं और कितना उनको समर्थन मिल रहा है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। गुलशन भाई, मैं सबसे पहले तो मेरे शहर की समस्त 36 बिरादरी को, मेरे भाईचारे को नमस्कार करता हूँ। गुलशन भाई, भ्रष्टाचार की बात है, आज आप नगर परिषद में जाओगे तो पहले NOC की बात कर लो। हर छोटा मोटा बिजनेसमैन, हर मजदूर एक अपना प्लाट लेना चाहता है, उसके लिए एक NOC ऐसी चीज़ आ गई। NOC की रिश्वत इतनी बड़ी होगी जिसकी जेब में 10 से 20 हज़ार रुपये उसको NOC मिलती है। NOC का सबसे बड़ा मुद्दा है एक भ्रष्टाचार है। किसी भी कर्मचारी के पास जाओगे तो लाइन लगा के खड़ा होना था, जब तक उनकी जेब में पैसे नहीं गलेंगे तो वो NOC नहीं देंगे। और दूसरी बात रही भ्रष्टाचार की, आप कहीं भी जाइए, साफ सफाई के मैटर में आज जितनी भी है गंदगी है शहर के अंदर, उसके अंदर कोई कर्मचारी ध्यान नहीं दे रहा। जितने भी कर्मचारी है वो अपने सिर्फ जेब भरने का ही काम कर रहे हैं। गुलशन भाई, आज आप किसी भी रोड पे जाओगे, आज कमेटी का रोड है ये, आगे ये किला रोड से गिरल कॉलेज, गिरल कॉलेज से हॉस्टल, हॉस्टल से घूम के आ जाओ आप भादर सिंह के तालाब, इसको 2.5 साल हो गए। ये मार्केट कमेटी का रोड है या MLA के कोटे का रोड है, 2.5 साल हो गए। जो भी आप कम से कम मेरी निगरानी में 200 रेडी वाले थे जो अपने बच्चों का गुजारा कर रहे थे, लेकिन 2.5 साल में इस रोड में क्या हो रहा है, घोटाला हो रहा है, क्या हो रहा है, ये मेरे को मालूम नहीं है। आज सच्चाई क्या है, 2.5 साल में हमारा पनियाड़ा मोड़ से लेकर चंडीगढ़ तक का 4 लाइन बन गया, लेकिन 2.5 साल हो गए ये रोड नहीं बना है। 500 रेडी वाले धूल खा खा के अपने तबीयत खराब कर ली, बीमार हुई, किसी की टिब्बी हो गई, वो वहाँ से रेडी लगानी छोड़ दी। ये पहले सदर थाना था, चाय की दुकान लगाता था, उसकी अच्छी कमाई थी, उसको भी तबीयत खराब होगी या बीमार होगा, वो भी अपनी जगह छोड़ के चला गया। आप लगातार जनता के बीच जा रहे हैं मुद्दे लेकर, जनता का कितना सहयोग आपको मिलता है? गुलशन भाई, ये जनता का ही सहयोग है, इलेक्शन ही जनता का, ये राइस का इलेक्शन नहीं है। भ्रष्टाचार की बात करें तो आज हमारे शहर में पीने के पानी की इतनी समस्या है, मेरी माता और बहन हम जहाँ भी जिस घर में जा रहे हैं तो भैया 2 दिन से पानी नहीं आया, भैया 3 दिन से पानी नहीं आया। मेन समस्या तो पीने के पानी की, आगे समस्या तो अथा है, लेकिन पीने के पानी की तो समस्या सबसे पहले सॉल्व होनी चाहिए। उस समस्या को भी अगर निगाह में रखे तो पीने के पानी की समस्या इतनी बड़ी हो चुकी है कि 2 दिन तक नाले नहीं आ रहे। मंत्री जी सर भ्रष्टाचार की जाँच करवा सकते हैं, उनके पास आज पावर है, क्यों नहीं करवा रहे? 3 साल होंगे उनको मंत्री बने हुए, भ्रष्टाचार की जांच करवानी चाहिए। इलेक्शन आता है, जब उनको ध्यान आता है कि मैं भ्रष्टाचार की जांच कराऊंगा, इससे पहले कहाँ सो रहा था मंत्री जी? संजय भाई की जो धर्मपत्नी पिछली योजना में नगर परिषद की चेयरमैन थी, उस पर भ्रष्टाचार के आरोप तो लगा रहे, लेकिन किसी ने साबित किया है क्या? आप अगर जनता आपको आशीर्वाद देती है, आपकी पत्नी जो है चेयरपर्सन बनती है, तो जनता के लिए आप क्या करेंगे और किस तरह से इस भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे? पहला मेरा ये होगा जनता के लिए, पीने का पानी की समस्या में मेरे पूरे 31 वार्ड है, पीने के पानी की पहली प्रक्रिया होगी। दूसरा मेरा काम ये होगा, हर वार्ड में CCTV कैमरे लगेंगे, हर मोहल्ले में, हर नुक्कड़ पर। आज चोरियाँ भी ज़्यादा हो रही है गुलशन भाई, किसी की बाइक उठ रही है तो किसी की गाड़ी उठ रही है। पहला दूसरा मकसद मेरा यही होगा, हर वार्ड में, हर गली में, हर नुक्कड़ में CCTV कैमरे लगे होने चाहिए। तीसरा मेरा कदम ये होगा, आज जो चार आंगन अगर बारिश भी हो जाती है तो छोटी छोटी बस्तियों में नहीं, राव का मोहल्लों में भी 4-4 दिन तक पानी नहीं निकलता। मेरा तीसरा काम होगा शहर की पानी का निकासी का काम करना है। बरसात होने के बाद तुरंत 4-5 घंटे में पानी गलियों में रुकना नहीं चाहिए। सफाई को लेकर अगर बात करें तो डंपिंग यार्ड जो बनाया हुआ है जहाँ पे शहर का कचरा डाला जाता है, वहाँ पे भी उचित व्यवस्था नहीं है। वहाँ पर उचित व्यवस्था अगर ये कमेटी वाले अगर चाहते तो वहाँ उचित व्यवस्था हो सकती थी, वहाँ ज़मीन भी काफ़ी बड़ी है। संसाधन तो चेयरमैन को जुटाने पड़ते हैं, नगर परिषद में ग्रांटें काफ़ी आती हैं, ये नहीं ग्रांटें नहीं आती, सफाई के लिए लो या पानी के लिए लो, रोड के लिए लो, कोई भी हो ग्रांट आती है। काम करने वाला चाहिए, काम को काम करे, काम मान के काम करेगा तो काम होगा। हम तो यही मुद्दा लेके जा रहे हैं, काम करके दिखाएंगे, हमें एक मौका दो और जनता हमें मौका दे दिया है।
नारनौल नगर परिषद से निर्दलीय प्रत्याशी जो माया देवी हैं उनके पति राजेश, साफ तौर पर कहना है जनता ने उनको आशीर्वाद दे दिया है और अगर वो चेयरमैन, उनकी पत्नी बनती है चेयरमैन, तो नगर परिषद में चारों तरफ विकास करवाया जाएगा और भ्रष्टाचार को जड़ से ख़त्म किया जाएगा। साफ तौर पर उनका कहना है कि अगर वो चेयरपर्सन बनती है उनकी पत्नी, तो नगर परिषद आपके द्वार होगा, आपको नगर परिषद के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। खबर फास्ट के लिए गुलशन यादव, नारनौल।